रहते उसकी कला रखी। तो मैं बाली जी का बहुत बहुत हमारी थैंक्स बोलूंगा, हमारे यहाँ के आपने थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किया और आप हमेशा करते रहोगे। आप जितना चाहे पेशेंट लाके छोड़ दो, हम उनके निःशुल्क सेवा करेंगे। तो ये अनाथों का घर है, हम तो यहाँ के केयर टेकर हैं और ऐसी सेवा में हम जब जुड़ जाओ तो प्रभु भी खुश रहेंगे। क्या मैंने इंसान बनाया था, एक दूसरे को काम आ रहा है। तो आइए, वे सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभारी, थैंक्स। आप आया करो, बाली जी ने बहुत शॉर्ट मोमेंट में थोड़ा बहुत जो किया उसे हमारे दिल में है। आप आते रहो, जो पेशेंट आपका जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा लेके आ जाना, पर 15 दिन में एक बार आके वे भजन कीर्तन प्रवचन ये करते रहना है, आपके लिए वो बंधन कारक रहेगा। जरूर जरूर मैं आऊंगा आपका आदेश का पालन, क्योंकि आपका आदेश, आप 200-250 लोगों को लेकर चल रहे हो और सेवा देने वाले दे रहे हो, और आपका जो आवाज है, आपके जो आदेश है, ये मेरे लिए सर्वसम्मति होगा और मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा कि महीने में एक बार हो या दो बारों में आऊंगा। और अकेले नहीं आऊंगा, मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा जिसमें गाना बिना हो, इंटरटेनमेंट हो, क्योंकि एक एज ए इंटरटेनर के लिए पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई चीज अभी गाने के लिए जाऊंगा तो एक नॉर्मल चीजें हो जाएगी, पर पीछे तबला वादक होंगे या हारमोनियम वादक होंगे तो एक मोटिवेशन भी आता है, उसमें आनंद की प्रक्रिया बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली पूरी टीम के साथ मैं आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बाली जी, थैंक यू बहुत बहुत आभारी। हमें बच्चों को छोड़ने के लिए गाड़ी रेडी है। टीचर मैम थैंक यू, आपने वेट किया बाली जी का जो प्रोग्राम या कुछ सुनने के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप ऐसे आते रहा करो, हमारे सुनने से क्लोज करेंगे।